This is the first night of Navratri. ये नवरात्रि की पहली रात है ये रात और ये दिन ये आने वाला दिन ईश्वर की स्त्री प्रकृति को समर्पित है दुर्गा लक्ष्मी एंड सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री प्रकृति के तीन आयामों के प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वे अस्तित्व के तीन मूलभूत गुणों तमस रजस और सत्व का प्रतीक भी है तमस, तमस का अर्थ है निष्क्रियता रजस का अर्थ है क्रिया जुनून सत्व एक तरह से सीमाओं को तोड़ना विलीन होना पिघलना और एक हो जाना अमंग थ्री सेले ऑब्जेक्ट इन तीन खगोलीय वस्तुओं में जिनसे हमारे शरीर की रचना बहुत गहराई से जुड़ी है धरती सूर्य और चंद्रमा इनमें धरती माँ को तमस माना जाता है सूर्य रजस है चंद्रमा सत्व है जो लोग शक्ति की अमरता की ताकत की इच्छा करते हैं They will worship. वे स्त्री प्रकृति के उन रूपों की पूजा करते हैं जिन्हें तमस कहा जाता है जैसे काली या धरती माता जो लोग धन दौलत की जुनून की जीवन की और भौतिक दुनिया के तमाम दूसरे उपहारों की इच्छा करते हैं वे कुदरती तौर पर स्त्री प्रकृति के उस रूप की कामना करते हैं जिसे लक्ष्मी कहा जाता है या सूर्य जो लोग ज्ञान की बोध की परे जाने की इमोर्टैलिटी ऑफ बॉडी शरीर की अमरता नहीं बल्कि नश्वर शरीर की सीमाओं से परे जाने की इच्छा करते हैं वे स्त्री प्रकृति के उस आयाम की आकांक्षा करते हैं जिसे सत्व कहा जाता है जिसका प्रतीक है सरस्वती या चंद्रमा ये तीनों अगले तीन दिन एक एक करके आएंगे इसे इस रूप में व्यवस्थित किया गया है क्योंकि आखिरकार हम धरती से ही निकलते हैं और हम एक सक्रिय जीवन जी सकते हैं जिसे रजस कहते हैं देवी की दूसरी प्रकृति तीसरा आपके रास्ते में आ भी सकता है और नहीं भी अगर आपको उन्हें अपने अंदर लाना है तो आपको प्रयास करना होगा वरना वो आपके अंदर नहीं उतरेंगी जिन लोगों को यह नहीं पता लिंग भैरवी की प्राण प्रतिष्ठा तीन मूलभूत चक्रों के साथ की गई है ध्यान लिंग में सातों चक्र हैं उनमें सिर्फ तीन चक्र हैं जो तमस रजस और सत्व के तीन आयामों का प्रतीक है तमस earth, तमस की प्रकृति है और आज उनका दिन है और वही जन्म देती हैं। गर्भ की जो अवधि हम कोख में बिताते हैं वो समय तमस है यह अवस्था लगभग शीत निद्रा जैसी होती है मगर विकास होता रहता है नेचर so, ऑफ of... तो तमस पृथ्वी की आपके जन्म की प्रकृति है जैसे ही आप बाहर आते हैं आप सक्रिय हो जाते हैं रजस शुरू हो जाता है अगर आप पर्याप्त जागरूक हुए या पर्याप्त खुशकिस्मत हुए तो सत्व आपको छुएगा वरना रजस का रंग ऐसा है कि जब तक सब अच्छा चलता रहता है वो अच्छा रहता है जैसे ही बुरा सिलसिला शुरू होता है रजस बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है तो इन नौ दिनों में सबसे अप्रोच एवरी जीवन के हर पहलू को उत्सव के रूप में मनाना यह सबसे महत्वपूर्ण है अगर आप हर चीज को उत्सव के रूप में लेते हैं तो आप जीवन को लेकर गंभीर ना होते हुए भी पूरी तरह जुड़े होना सीख लेते हैं अभी ज्यादातर इंसानों के साथ समस्या ये है कि अगर उन्हें कोई चीज महत्वपूर्ण लगती है तो वे उसे लेकर बहुत गंभीर हो जाएंगे अगर उन्हें लगता है कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो वे उसे लेकर लापरवाह हो जाएंगे उसमें जरूरी भागीदारी नहीं दिखाएंगे ये सही तरीका नहीं है सही रास्ता जीवन का रहस्य बस यही है हर चीज को बिना गंभीर हुए देखना मगर पूरी तरह जुड़े रहना किसी खेल की तरह यही वजह है कि जीवन के सबसे गहन पहलुओं का उत्सव मनाया जाता है ताकि आप उसे चूके नहीं अगर आप गंभीर हैं तमिल भाषा में या अंग्रेजी में भी वो बहुत गंभीर स्थिति में है का मतलब आपको पता है कि अगला कदम किधर होता है और ढेर सारे लोग गंभीर स्थिति में हैं। <laughs> उनके साथ सिर्फ एक ही चीज होती है जिसकी कोई अहमियत है बाकी चीजें उनसे कतरा कर निकल जाएंगी क्योंकि जिस चीज को वे गंभीर नहीं मानते वे उसमें भागीदारी और समर्पण नहीं दिखा पाते सारी समस्या बस यही है तो आज वो दिन है आप धरती पर बैठे हैं आपको बस उनके साथ एक होकर रहना सीखना चाहिए आप वैसे भी उनका एक हिस्सा हैं। जब उनकी मर्जी होती है केवल तभी वे आपको निकालती हैं। जब वे चाहेंगी वो आपको खींच लेंगी तो जो पूरी तरह निष्क्रियता थी वो गतिशील रजस बन गई है यह जीवन शायद सभी सीमाओं के परे चले जाए या शायद उसी चीज में वापस चले जाए दुर्गा लक्ष्मी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती कभी नहीं हुई इसका मतलब है कि आप चक्कर लगा रहे हैं आप जाल में फंसे हैं जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु दूसरे आयाम का आना अभी बाकी है ये दोनों तो वैसे भी होंगे जो निष्क्रियता की अवस्था में है वो रजस और सक्रियता की स्थिति में आएगा और फिर कुछ समय के लिए वापस निष्क्रियता की अवस्था में और फिर सक्रियता की अवस्था में चला जाएगा यह एक व्यक्ति के रूप में आपके साथ हो रहा है यह पृथ्वी के साथ हो रहा है ये आकाश गंगा के साथ हो रहा है यह पूरे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है वो निष्क्रियता की स्थिति में जाकर फिर सक्रिय होता है और फिर निष्क्रियता की अवस्था में चला जाता है मगर महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें इस चक्र को तोड़ने और परे जाने की क्षमता है तो देवी के इन तीन आयामों की भैरवी या लिंग भैरवी के रूप में प्रतिष्ठा की गई है आपको अस्तित्व और पोषण के इन आयामों को अपने लिए प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि आपको इन तीनों की जरूरत है पहले दो की जरूरत आपकी अच्छी जिंदगी और खुशहाली के लिए है तीसरा परे जाने की आकांक्षा है तो नवरात्रि इसके साथ शुरू होती है यह न सिर्फ एक शानदार प्रतीक है बल्कि यह ऊर्जा के स्तर पर भी सच है हर महीने सिर्फ साल में एक बार नहीं अमावस्या के बाद हर महीने पहले तीन दिन ऐसे होते हैं अमावस्या निष्क्रियता की अवस्था है जिसमें पांचों तत्व अपने अंदर एक तरह के एकीकरण से गुजरते हैं अगला दिन हल्की निष्क्रियता का होता है फिर वो सक्रिय होता है इसके बाद परे जाने की गुंजाइश होती है चंद्रमा प्रकट होने लगता है जो निष्क्रियता की अवस्था में और उसके बाद सक्रियता और उलझन की अवस्था में था उसने अब परे जाने की एक संभावना खोली है ये हर महीने हो रहा है दिस पर्टिकुलर मंथ इस महीना कुछ अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि यह अमावस्या साल की दूसरी अमावस्याओं से अधिक स्पष्ट थी सभी बारह या कभी कभी तेरह अमावस्याओं में से यह सबसे शक्तिशाली होती है जो कल थी आज पहला दिन है आज दुर्गा या काली का दिन है नवरात्रि का आनंद लें और उसका लाभ उठाएं are... जो लोग कुछ खास तरह की साधना कर रहे हैं जैसे ब्रह्मचारी और कुछ दूसरे लोग उनके लिए किसी भी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता मगर बाकी लोगों के लिए यह मायने रखता है प्रकृति हमें जो छोटे छोटे सहारे देती है उनका लाभ उठाना अच्छी बात है अपनी खुद की शक्ति के साथ आगे बढ़ना असंभव नहीं है लेकिन ज्यादा लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं बस इतना ही तो इन नौ दिनों का लाभ उठाएं अगर आप इन नौ दिनों के लिए यहाँ हैं तो कृपया उसका लाभ उठाएं। आपको देवी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए इन नौ दिनों में ऐसा करना बहुत अच्छा होगा